हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का सोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज कल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी निकल नहीं रही है, तो कपड़ों को कैसे सुखाएं हम? हमारे पास जगह भी नहीं होती कपड़े डालने के लिए, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और सर्दी की वजह से सूख भी नहीं रहे क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। तो मैं एक ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आपके समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आप अपने लिए और अपने कपड़े भी सुखा पाओगे टाइम पर। एक दिन में एक बार सब कपड़े तो सूख ही जाएंगे, दो दिन के लिए नहीं रखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना बढ़िया सा जो भी है किचन टिप्स। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, ठीक है? तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी टिप्स है वो है, कभी कभी हमारी उंगलियों में कट लग जाता है, हमारी उंगलियों में किसी कारण से लग जाती है, लेकिन हम लेडीज़ों को किचन में काम तो करना ही पड़ता है। किचन में क्या हर काम करना पड़ता है, झाड़ू पोंछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना, सारे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए एक टिप्स लेकर आई हूँ कि आपकी चोट ना भीगे और हम आसानी से काम भी कर सके, तो उसके लिए क्या करना है, जो एक सिल्वर फॉइल आती है ना वो हमको ले लेना, सिल्वर पेपर, और इस तरीके से जिस उंगली में आपको चोट लगी है उसमें इस तरीके से लिपेड लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो इससे करने से क्या होगा कि आपकी चोट पे बिल्कुल भी पानी वाला काम करोगे, बर्तन वर्तन धोगे ना तो बिल्कुल भी भीगेगा नहीं, बहुत जल्दी से आपका काम हो जाएगा और आपकी चोट भी जल्दी से सही हो जाएगी। और जब आपका काम हो जाए पूरा, ठीक है, जैसे कि आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, तो फिर आप इसको निकाल के रख दो इस तरीके से। और ये आपको दोबारा जब काम करे तो आप दोबारा भी इसको पहन सकते हैं जब तक आपको सही नहीं हो जाए आपकी चोट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि दाल भिगोने, मुझे कुछ बनाना था आज तो मैं दाल भिगोना भूल गई थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, शाम का शाम हो गए थे, 8 बज गए थे और 9 बजे तक मुझे चाहिए थी दाल भिगोई। मैंने सोचा इसके लिए क्या दिमाग लगाएं फ्रेंड, तो मैंने फटाफट से क्या किया, पानी गर्म किया और सादा पानी के मुकाबले दाल हो चावल हो गर्म पानी से बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो देखती हूँ, मैंने 7:30 बजे करीबन ये भिगोने के लिए डाला है, तो मैंने पानी गर्म कर लिया था पहले से ही, तो पानी गर्म इसमें डाल देंगे हम। ये देख लीजिए, और ये दाल बहुत जल्दी 1 घंटे में फूल के रेडी हो जाएगी, और छिलके वाली नहीं है ना, बहुत जल्दी हो जाएगी 1 घंटे में। तो आसानी से हम मूंग दाल के चीले बना सकते हैं, हम मूंग दाल के चीले बनाने वाले हैं आज। लेकिन हाँ, तुरंत ही प्लान बनाता तो कहाँ से हो जाता फटाफट से, तो मैंने कहा चलो इस टिप्स को यूज़ करते हैं, अच्छे लगे तो आप लोग जरूर यूज़ करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। वीडियो में शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरीके से अपने कपड़े सुखा सकते हो फटाफट से, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा टिप्स यूज़ करती हूँ कपड़े सुखाने, मतलब सुखाने के लिए, वही मैं आप लोगों के साथ। मान लीजिए ये डोरी है, ठीक है, इस पर मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ और आपकी सारी डोरी भर गई है कपड़े डाल डाल के, सारे घर के कपड़े डाल डाल के पूरी डोरी भर गई है। तो अब कपड़े हम कहाँ डालें? तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हम लेंगे सेफ्टी पिन और इस तरीके से यहाँ पे टच कर देंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए, ठीक है। तो एक के जहाँ जिस जगह पे आपके एक जोड़ी कपड़े डलते थे वहाँ पे आपके दो जोड़ी कपड़े डल जाएंगे। चाहें तो आप दोनों साइड भी लगा सकते हो सेफ्टी पिन। तो चलिए और भी दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं किस तरीके से सिखाती हूँ, ये देख लीजिए। और दूसरे कपड़े लूँगी मैं, उसको भी यहाँ पर इसी तरीके से मैं टक कर लूँगी दूसरे वाले कपड़े में, ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मोजा, रूमाल, टोपा, स्वेटर, हाथों के मोजे, पैरों के मोजे, मास्क चल रहा है, तो इस तरीके से आप टक कर करके बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हो थोड़ी सी ही जगह में, ज़्यादा जगह।